Good morning, children. You have seen 4 video on chemical kinetics. This is the 5th video. In this video, I am going to explain the differences between order and molecularity of a reaction. You had already seen what is order and what is molecularity. Now see whether they are same or different. Initially, in the beginning time, the order and molecularity was considered as same. पहले हम लोग उसको एक ही समझते थे, लेकिन बाद में जब कोलिजन थ्योरी हमारे सामने आया तब चला पता कि दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। पहले हम मॉलिक्यूलॉजी को बोलते थे कि केमिकल रिएक्शन में जितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है उसको बोलते थे मॉलिक्यूलॉजी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन वाज नेम्ड एज मॉलिक्यूलॉजी। लेकिन जब कोलिजन थ्योरी हमारे पास में आया देन इट केम टू नो दैट ऑल द मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन होने से पहले मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करता है, मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करता है और कोलिजन ही रिस्पॉन्सिबल है केमिकल रिएक्शन के। लेकिन हर कोई कोलिजन भी केमिकल रिएक्शन बनाएगा ये कोई जरूरी नहीं है। वही कोलिजन केमिकल रिएक्शन तक पहुंचेगा जिसके पास में कुछ खास ओरिएंटेशन हो, कुछ खास एनर्जी हो, कोई खास एक्टिवेशन एनर्जी हो, वह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। इस कोलिजन का नाम है इफेक्टिव कोलिजन। इसके आधार पर हम डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूलॉजी को। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस विच मस्ट कोलाइड इफेक्टिवली। इफेक्टिवली टर्म देना बहुत जरूरी है, चाहे इफेक्टिवली बोले चाहे साइमल्टेनियसली बोले, इफेक्टिवली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलॉजी। अब ऑर्डर का वही डिप्रेशन था जो सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज पर रेट लॉ एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटली, इसको हम ऑर्डर बोलते हैं। सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म विच चेंजेस ड्यूरिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जो कहां से चलता है पता तो बाय एक्सपेरिमेंट, उसको बोलते हैं ऑर्डर। उसके बाद देखो इसका सेकेंड डिफरेंस है जो ऑर्डर इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऑर्डर सबके लिए लागू होता है, आइदर एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बट मॉलिक्यूलॉजी इज एप्लीकेबल फॉर ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉट फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलॉजी का ये मीनिंगलेस होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब पहले हम देखेंगे जो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो जो रिएक्शन की सिंगल स्टेप में होता है, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन एंड द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो
एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर होता है वही मॉलिक्युलरिटी भी होता है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसके लिए ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी सेम हो भी सकता है और डिफरेंट भी होगा। इसके लिए हमको उसके मैकेनिज्म के पास जाना होता है, तब चलता है पता जो ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी उसका सेम है कि डिफरेंट है। अब देखो यहाँ पर थर्ड डिफरेंस, इट इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, इसको हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, जबकि दिस इज थ्योरेटिकल क्वांटिटी, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय स्लोएस्ट स्टेप, ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी इज मीनिंगलेस, टोटल मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन का कोई मीनिंग नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, इट कैन बी 0, 1, 2, 3 एंड फ्रैक्शन, अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर होता है 0 उसको बोलते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन, अगर किसी का ऑर्डर होता है 1 दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर किसी का ऑर्डर है 3 दिस इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, अगर किसी का ऑर्डर है 1 and 1.5 उसको बोलते हैं 1.5 ऑर्डर रिएक्शन, अगर किसी का ऑर्डर है 3/2 और 5/2 तो ये इसका ऑर्डर हुआ। द ऑर्डर होल नंबर और फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, और क्या होगा ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है। यहां पर देखो, यहां पर देखो जो ऑर्डर 2a + 3b ये चेंज कर रहा है प्रोडक्ट में, तो इसका रेट लॉ ऑफ मास एक्शन के आधार पर होगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर 3, ये होगा लॉ ऑफ मास एक्शन के आधार पर। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं, सपोज मान लो एक्सपेरिमेंटली मान लो R = K कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 1 एंड बी का पावर हो गया 2 एज पर एक्सपेरिमेंट, तब इसका ऑर्डर हो गया ऑर्डर 1+2 ये हो गया 3, तब इसका ऑर्डर हो गया इसका 3। अब आगे देखो, अगर किसी रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी 1 होता है, इफ एनी रिएक्शन हूज मॉलिक्युलरिटी इज 1, इसको देख लिए दिस इज थ्योरेटिकल, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय स्लोएस्ट स्टेप, ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी इज मीनिंगलेस, इट कैन बी 1, 2, 3 ओनली, ये ऑर्डर जो है तो 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी सिर्फ 3 तक ही होगा, 3 के बाद मॉलिक्युलरिटी नहीं होगा। आप किसी भी रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी अगर दिखाई पड़ रहा है 5, दिखाई पड़ रहा है 10, किसी रिएक्शन में दिखाई पड़ रहा है दिया 10 मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन एज पर द बैलेंस्ड रिएक्शन, इट डज नॉट मीन दैट मॉलिक्युलरिटी विल बी 10। किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद हमको 9 मॉलिक्यूल टोटल रिएक्टेंट का 9 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो लगता है इसका मॉलिक्युलरिटी इसका 9 होगा, लेकिन 9 नहीं होता है, मॉलिक्युलरिटी हमेशा 1, 2, 3 ये उसका लक्ष्मण रेखा है, 3 को क्रॉस नहीं करेगा।
किसी का मल्टीप्लिकेटिव 1, 2, 3 से ज्यादा नहीं होगा, सिर्फ 3 तक ही सीमित है। अब मल्टीप्लिकेटिव 3 से ज्यादा क्यों नहीं होगा, थोड़ा सा इसको जानने के लिए हम मैकेनिज्म के पास में चलेंगे, इसको मिटा देंगे। आप तो देख चुके हैं अगर किसी का मॉलिक्यूलरिटी अगर 1 है, इसको बोलते हैं यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, ये हो इसका एग्जांपल है। इफ देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, अगर 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड टर और ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। यहां पर ये चीज फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है ये करना सफिशिएंट नहीं है, 1 मॉलिक्यूल ही आपस में कोलाइड कर रहा है इफेक्टिवली। यहां पर 2 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है इफेक्टिवली, 3 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहा है इफेक्टिवली, इसको बोलते हैं ट्राई और टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। यहां पर है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, जब इसको हीट करते हैं तो नाइट्रोजन बनता है और वाटर बनता है। यहां पर इसका रेट निकाला गया है एक्सपेरिमेंट से, तो सिर्फ के इंटू अमोनियम नाइट्राइट, इसका ऑर्डर भी 1 है, इसका मॉलिक्यूलर भी 1 है। ऑर्डर 1 इसलिए नहीं है कि यहां पर ये 1 है, ऑर्डर इसलिए 1 है क्योंकि अमोनियम नाइट्राइट के कंसंट्रेशन को चेंज करने से ही, एक मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन को चेंज करने से ही इसका ऑर्डर निकलता है, इसका ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी दोनों 1 है। यहां देखो सेकेंड केस में और बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यह भी है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, जब इसको हीट करते हैं यह बनता है हाइड्रोजन और आयोडीन, इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन आर इक्वल टू के एच आई का कंसंट्रेशन का पावर 2। यहां पर यह संजोग से 2 दिखाई पड़ रहा है, ये हमेशा कहते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है यही यहाँ पर लिखाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट से होता है, यहाँ पर संजोग से यही आ रहा, इसलिए इसका ऑर्डर भी 2 है और मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है। ही बोल रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी इसलिए नहीं 2 है क्योंकि 2 एच आई है, ये भी देखा गया है एक्सपेरिमेंट से, जो 2 मॉलिक्यूल ही आपस में इफेक्टिवली कोलाइड करता है, 2 कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई इट्स मॉलिक्यूलरिटी इज आल्सो 2 एंड ऑर्डर इज आल्सो 2। अब देखो थर्ड केस में इंट्रा मॉलिक्यूलर, यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, बन रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और इज इक्वल टू के N2 का कंसंट्रेशन का पावर 2 एंड O2 का कंसंट्रेशन पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2+1+3 एंड मॉलिक्यूलरिटी भी इसका हो गया 3। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होता है, ऐसे मान लीजिए कभी भी आप कोई ऐसा एक्सीडेंट आप नहीं देखे होइएगा जहां पर कि 4 गाड़ी एकाएक एक साथ आकर के कोलाइड किया हो, जब भी कभी एक्सीडेंट सुनते हैं तो 2 गाड़ी आपस में कोलाइड करता है, मैक्सिमम 3 व्हीकल्स कोलाइड, हार्डली यू विल सी 3 व्हीकल्स, मैक्सिमम यू विल सी ओनली 2 व्हीकल्स और सम टाइम 3 व्हीकल्स, सो मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी मोर देन 3। अब थोड़ा आइए आप मैकेनिज्म के पास, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंट होता है, तो हम जानेंगे मैकेनिज्म। ये क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में
हम सिर्फ रिएक्टेंट लिखते हैं और सिर्फ प्रोडक्ट लिखते हैं, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में भी देर आर मेनी एलिमेंट्री रिएक्शन टेक्स प्लेस, जिसको कि हम पास ऑन करके चलते हैं। मैकेनिज्म मतलब होता है कि सारे स्टेप को डिफाइन करना। क्यों देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 ये लगाते हैं ट्रायंगल, इसको हीट करते हैं NO2 बना और ऑक्सीजन बना। ये रिएक्शन दो स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में N2O5 डिकम्पोज किया, NO2 और NO3 बनाया। एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि ये एक स्लो स्टेप रिएक्शन है। सेकंड में N2O5 का नेक्स्ट मॉलिक्यूल इस NO3 से कंबाइन किया, बनाया 3NO2 और ऑक्सीजन। ये है फास्ट रिएक्शन। अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये NO3 कट गया, ये हो गया 2N2O5 4NO2 प्लस ऑक्सीजन, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है जो ऑर्डर भी 2 है और मॉलिक्युलरिटी भी 2 है, लेकिन ऑर्डर भी 1 है और मॉलिक्युलरिटी भी 1 है रियली। क्यों? क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमिनिंग स्टेप, इसको बोलते हैं RDS। R means रेट, D means डिटरमिनिंग, S means स्टेप। अगर कोई बताए आपको जो अगर 10 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है तो मॉलिक्युलरिटी 10 नहीं होगा, क्योंकि अगर उसका हम मैकेनिज्म लिखते हैं तो देखते हैं जिस जो भी स्टेप उसमें स्लो है वही रेट को डिटरमिन करता है, उसका जो ऑर्डर होगा वही ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर होगा, उसका जो मॉलिक्युलरिटी होगा वही ओवरऑल रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी होगा। मतलब ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी प्रायः हम सिंपल रिएक्शन का बारे में टॉक करते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का नहीं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने देखा कि इसका ऑर्डर भी 1 है, इसका मॉलिक्युलरिटी भी 1 है। अब एक चीज़ देखो, मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर हमेशा स्लो स्टेप का कैसे निकालते हैं। मान लो हम एक साइकिल के प्रोडक्शन में फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और साइकिल जो है सो व्हील तैयार कर रहा है पर डे 400 पीसेस व्हील तैयार कर रहा है, और हैंडल तैयार कर रहा है 300 पीसेस, पैडल तैयार कर रहा है 200 पीसेस, लेकिन सीट जो है सीट इस पर हम लोग बैठते हैं वह तैयार कर रहा है ओनली 50 पीसेस। तो क्या आप बता सकते हैं जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साइकिल क्या होगा? बताइए ये क्या होगा, जितना सीट बन रहा है 50 पीसेस हो या 40 पीसेस हो, सबसे कम जो भी पार्ट बन रहा है साइकिल का वही कहलाएगा जो प्रोडक्शन ऑफ साइकिल पर डे, जो सबसे छोटा यूनिट है उसके। क्यों भी कोई भी आदमी साइकिल को परचेस करेगा बिना सीट का साइकिल कोई परचेज नहीं करेगा। सो स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप नॉट ओनली इन केमिस्ट्री, इन रियल लाइफ ऑल्सो। कभी रिले रेस कॉम्पिटिशन में कभी पार्टिसिपेट किया है? उसमें उस पार्टी का उस टीम का विनिंग जो है डिपेंड करता है जो सबसे धीरे धीरे चलता है वही डिसाइड करता है कि कौन सा टीम उसका पार्टी जीत रहा है, टीम जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है। ओके चिल्ड्रेन, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू द जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच।